अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज एक बहुत अच्छे के बाद हम एक एक्सकर्शन पे निकल रहे हैं। और कोविड की वजह से चूंकि घर में काफ़ी लॉकडाउन था, काफ़ी जगह बंद थी, टूरिस्ट स्पॉट्स बंद थे, तो एक्सकर्शन ज़रा भी नहीं हो रही थी। तो आज पर हमने ट्राई, इट्स 14 अगस्त और 14 अगस्त है, तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक आला सी एक्सकर्शन प्लान करें और एक नया ट्रैक एक्सप्लोर करें। तो अभी हम एक जगह है पोफंदी टॉप की तरफ जा रहे हैं, और अभी इस्लामाबाद से निकले नहीं हैं, वी आर ऑन आवर वे। और अभी मैं था शिराज को पिक किया और अभी हम निकलेंगे। तो ट्रैक जो है बड़े मज़े का होने वाला है, इट्स ट्रैक टूवर्ड्स कोटली सतियाँ वाली साइड से ये निकलता है एंड गोज टूवर्ड्स अप टू पोफंदी टॉप। तो ट्रैक के बारे में कोई आइडिया नहीं, इट वॉज अनएक्सप्लोर्ड जीप ट्रैक, काफ़ी अच्छे से अबैंडन पड़ा हुआ था जो हमें तक अभी तक न्यूज़ मिली है। लेकिन कितना अबैंडेंड है, कितना जो है ट्रिकी है, कितना नैरो है, ये हम आपको अपडेट करते जाएंगे। और अगेन टुडे आज जो मेरे साथ मेरे ट्रैवल पार्टनर हैं, जो मेरे साथ हैं, जिनको आप सब जानते हैं, सिराज। और आज सिराज बस सुबह सुबह फुल टाइम रेडी हैं, अपनी जॉगर शॉगर पहन के फुल रेडी हैं। तो रेडी फॉर द न्यू ट्रैक एंड रेडी फॉर द एक्सप्लोरेशन। लेट्स सी कि हमें वहाँ पे कैसा वो मिलता है। मौसम बहुत अच्छा है आज, हमारी कोशिश होती है अच्छे मौसम में ट्रैवल करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड एडवेंचर। लेट्स सी जी, चले सी ऑन द रोड नाउ। सो गाइस, हियर वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स नीलोर। नीलोर के पास पहुँच गए हम, और आज हमारी एक्सकर्शन में है लैंड रोवर डिफेंडर। दिस इज ओन बाय मिस्टर फरहान भाई। और यू रेडी टू लीड द एक्सकर्शन? रेडी। और मोरल कैसा? गुड है। अच्छा, और सेकंड आगे कहते हैं, सेकंड मैं हूँ। और अब्दुल वहीद भाई, सारा इनिशिएटिव अब्दुल वहीद भाई का था, इन्होंने एक्सकर्शन प्लान की है। और ये एज यूजुअल अब्दुल वहीद भाई की कहते हैं LXF लैंड क्रूजर 70 सीरीज। और देयर इज टायर साहब ऑल द वे ऑन द टेल। तो अभी बस निकलें, टायर साहब के जल्दी जल्दी थोड़े से व्यूज ले लेते हैं। टायर साहब, कैसा मॉरल है आज के, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा रहेगा हमारा एक्सपीरियंस? कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो लेट्स रोल, निकलते हैं और चलते हैं। अभी हमने कहते हैं कोटली सतियां बाजार क्रॉस किया, और कोटली सतियां बाजार क्रॉस करके हम जो बुर्ज वाली साइड है, जहां से बुर्ज गेस्ट हाउस को रोड ऊपर चढ़ती है, वहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल रोड काफी अच्छी साफ रोड है और ट्रैक काफी ग्रीन है। अभी कोई इतनी अभी तो मेटल रोड है, लेकिन कोई इस तरह का कोई ऑफ रोड ट्रैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ का ऑरा है इस जगह का, वो बहुत खूबसूरत है। पाइन है और इट्स ग्रीन, लश ग्रीन ट्रैक। और चूंकि बारिश है, तो बारिश का अपना एक मजा है। तो एंजॉय करें आप ट्रैक को, और अभी देखते हैं आगे टॉप तक जो है वहाँ तक कैसी रोड है, और वो क्या आया हमें कोई ऑफ रोड मिलता है या नहीं मिलता, उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल ड्राइव में मज़ा आ रहा है, अच्छा है कि एक अरसे के बाद लॉन्ग ड्राइव एक ट्रैक करने का मौका मिला, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और लेट्स सी। सो हेयर वी आर, रुके हुए एक जगह पे, स्टॉप ओवर किया हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे अभी हम कुकिंग कर रहे हैं और एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत वेदर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, और मतलब काफ़ी साफ है। लेकिन ये कि बेस्ट पार्ट इज दिस दैट द कूल वेदर एंड द फ्रेश एयर। थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मेरे से जो मेरे दोस्त हैं मड लाइफ के, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको उनके भी क्लिप्स देते हैं। यहाँ पे फुल टाइम बर्गर चल रहे हैं,
और अब्दुल लोहित भाई फुल टाइम चाय बना रहे हैं, ताहिर साहब जो है बर्गर्स के पैटीज बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, कुछ बर्गर्स बन चुके हैं, थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं। ये हमारी सप्लाई लाइन, ज़रूर इस ट्रैक को ज़रूर एक्सप्लोर करें क्योंकि इस ट्रैक में बड़े छोटे छोटे मज़े मज़े के स्पॉट्स हैं और उन स्पॉट्स को आप बड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ कि थोड़ा सा आपको लैंडस्केप दिखाते हैं, हटका सा, ये भी बहुत खूबसूरत है। इस ट्रैक में छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप बड़ा इजीली बहुत अच्छा फैमिली के साथ अगर आप आएँ तो बहुत अच्छा बारबेक्यू कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अच्छा टाइम लेजर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस्लामाबाद इतना दूर भी नहीं है, टेक्स हार्डली अराउंड हमें यहाँ पे आने तक तकरीबन हमें घंटा या डेढ़ घंटा लगा होगा। और घंटे डेढ़ घंटे के बाद आपको अगर इस तरह का स्पॉट मिल जाए कि जहाँ पे आप आके अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकें तो ज़रूर 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 ट्राई करें। आराम से, कोई रश नहीं है, हर बिल्कुल प्योर ग्रीन वैली, नीट एंड क्लीन एटमोसफेयर। ये जगह बहुत खूबसूरत है। अभी फर्दर जो हमने पवंदी टॉप जाना है वो जगह भी रहती है, उस जगह को ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि पवंदी टॉप पे मरली क्या है। अभी ज़रा ये लोग फारिग हो जाएं, खा पी के थोड़ा सा, एंड देन वी विल मूव।
कराई है देख के। हाँ सेंटर में एक पत्थर है, उसको अपने डिफरेंशियल से बचाइएगा। सेंटर में एक पत्थर है, उसको अपने डिफरेंशियल से बचाइएगा क्योंकि अगर इसको आप सेंटर से लेंगे तो डिफरेंशियल को हिट करेगा, तो इसको टायर और डिफरेंशियल के मिड से लेना है आपने। ये खूबसूरत क्या कहते हैं फफंदी टॉप है और ये इसका ट्रैक है एक छोटा सा जहाँ पे हम सारे रुके हुए थे और अभी जो है वाइंड अप कर रहे हैं, वापस जाने का की तैयारी है। बाकी आपने पिक्चर्स और वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत इन्जॉय किया होगा आई होप सो। और मज़ीद जो हमारे वीलॉग्स हैं वो हमारा आके कहते हैं कैंप साइट थी जो भी वाइंड अप हो रही है, तो मज़ीद वीलॉग के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़रूर लाइक करें और जो मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस हैं ताकि उससे आप अपडेट रह सकें। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और मज़ीद ये कि थोड़ा सा इस ट्रैक को ज़रूर ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा जो जीपर्स हैं, जो शौक़ रखते हैं इस तरह के ट्रैक्स करने का। तो ये बड़ा अच्छा ट्रैक था, बहुत इन्जॉय किया और अभी काफ़ी डीप है, वहाँ से तो हम करके आ गए। ये चूँकि हमारा कैंप साइट थी तो यहाँ हमने ब्रेक लगाई थी और यहाँ पर सेटल डाउन किया था। तो ट्रैक की कंडीशन ये है, इट्स लश ग्रीन फॉरेस्ट। तो होपफुल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीलॉग, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।